अगर आपको भी दिक्कत होती है TCS कैलकुलेट करने में तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि TCS आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कंपनी है और इसमें सबसे पहले आपको TCS एक्टिवेट करना होगा। तो मैं सारी चीजों को ऑफ कर दे रहा हूं सिवाय TCS के, ठीक है। TCS हमें चालू रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारी चीजों को ऑफ कर दिया, सारे टैक्सेशन ऑफ कर दिए, खाली TCS मैंने चालू रखा है। TCS को यहाँ से यस करके चालू कर लीजिएगा और ये तमाम डिटेल्स जो है उनको भर लीजिएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और यहाँ से भी कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो ये हमारा TCS चालू हो गया। अब हमें एक लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप एक लेजर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेजर हमें बनाना होगा, एक हमारा डेटर पार्टी होगा उसी का लेजर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर पार्टी का एक लेजर जरूर बना लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया हुआ है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, हिना डी करके ये डेटर पार्टी का लेजर है। यहाँ पे संडी डेटर के ग्रुप में इसे डालेंगे और यहाँ पर TCS एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मैंने रखा है, आपका जो भी हो नेचर वो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। और यहाँ पे पैन नंबर आप सही डालिएगा और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस कर दीजिएगा। ये यस हो गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। इस तरीके से एक लेजर आपको बनाना है, ठीक है। चलिए ये सब तो होता रहेगा, चलिए हम सीधा चलते हैं सेल्स वाउचर में और यहाँ पर TCS कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एक डेटर पार्टी का मैं लेजर बना के भी दिखा देता हूँ। अल्ट सी करते हैं, यहाँ पे रितेश नाम से एक डेटर पार्टी का लेजर मैं बनाता हूँ। यहाँ पे पहचान के लिए डी लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान भी होता रहे। ये संडी डेटर के ग्रुप में जाता है, ये तो पता ही है। यहाँ पर आएंगे, इसे यस कर देंगे क्योंकि TCS हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रख देंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पर पेन नंबर आपको डालना है। तो पेन नंबर मैंने बोला था सही डालिएगा, गलत डालेंगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सही डाल करके इसको यस कर दीजिएगा, यहाँ से एंटर करिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा और एंटर 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 करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, लगा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, अब जैसे फिलहाल हमारे पास सोयाबीन ऑयल है 300 लीटर, तो इसको हम बेच देते हैं, इसको हम बेच देते हैं पूरा 300 क्वांटिटी, ठीक है। 200 रुपए के भाव से 60,000 रुपए का सेल कर दिया, ठीक है। और एक TCS ये बना हुआ है, ये यहाँ पे देखिए ये TCS बना हुआ है। TCS वाला लेजर जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 रुपए TCS कैलकुलेट हो गया, अपने आप ये कैलकुलेट होके आ रहा है। अब इसको हम एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं कैसा प्रिंट आउट आया हुआ है। तो ये हमारा सेल्स वाला प्रिंट आउट है और अल्ट पी करके एंटर करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा प्रिंट आउट दिख रहा है। तो ये आपका है TCS जो कटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अच्छा, इसमें परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के कॉन्फिगर पे जाइएगा। ये कॉन्फिगर पे जब जाइएगा ना, तो यहाँ पर नीचे आएगा, ये देखिए, तो रेट ऑफ ड्यूटी स्टॉक वाइज और ये देखिए TCS कैटेगरी स्टॉक आइटम ये शो, तो यहाँ पे यस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी यस कर देते हैं, ये जो है ऑप्शन, इसको भी यस करते हैं यानी चालू कर देते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, अब आई बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आई बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TCS इनकम टैक्स कटा हुआ है 10% का। कितना कटा हुआ है? 60,000 रुपये, 3,000 रुपये TCS कटा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कटेगा, ये आपको पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।